नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड मार्क्स ऑफ अ क्लास हैविंग फाइव स्टूडेंट फ्रॉम द यूजर एंड प्लेसेस देम इन एन अरे ऑफ टाइप फ्लोट। यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि हमने एक फ्लोट टाइप की अरे बनानी है जिसमें हम फाइव स्टूडेंट के मार्क्स इंटर कर सकें। मीन्स जो अरे की वैल्यू होगी, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो फाइव होगी। तो आफ्टर दैट इट शुड कंप्यूट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास। उसके बाद हमने उसकी एवरेज निकालनी है, मीन्स सब अरेज का सम फाइंड करके हमने डिवाइड बाय फाइव कर देना है, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। तो इस तरह यहाँ पे एवरेज भी हमारे पास आ जाएगी। इन द एंड डिस्प्ले स्टूडेंट नंबर एंड देयर मार्क्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स अबाउट एवरेज। तो अब यहाँ पे एंड पे हमने क्या करना है, इफ एल्स के थ्रू हमने देखना है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स जो है एवरेज से ज़्यादा है, वो हमने कंसोल पे शो करवा देने। तो अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे हम इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे चलेगा। तो अब यहाँ पे हमने एक फ्लोट टाइप की अरे बना लेनी है, फ्लोट मार्क्स और फाइव। इनपुट लेनी है हमने, तो फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव एंड आई प्लस प्लस, सी मार्क्स यहाँ पे आई। यहाँ तक हमारे पास सीन आ गई। अब हमने सम ऑफ अरे भी फाइंड करना है, तो सिंपल जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया था, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट। तो क्योंकि अगर सीन जो है फ्लोट में हो सकती है, तो फिर सम भी फ्लोट में हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लोट सम इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू मार्क्स आई। तो यहाँ तक हमारे पास सम भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड करनी है, तो अगर सम और हमारी जो इनपुट है वो फ्लोट में है, तो एवरेज क्योंकि डिवीजन है तो वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो फ्लोट में आ सकती है, मीन डेसिमल पॉइंट के साथ वो आ सकती है। तो हम यहाँ पे फ्लोट एवरेज के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास फाइव है, तो यहाँ पे हम फाइव लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास एवरेज भी आ गई। यहाँ पे हम सी आउट भी कर देते हैं, सी आउट एवरेज ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू एवरेज, ताकि जब एवरेज कंसोल पे शो होगी तो हम इजीली कंपेयर कर सकेंगे कि ये आउटपुट जो आ रही है वो ठीक है या गलत है। अब यहाँ पे अगेन हमने क्योंकि वन बाय वन हर स्टूडेंट के मार्क्स के साथ कंपेयर करना है, तो या तो ये है कि हम मार्क्स जीरो, मार्क्स वन करके, मार्क्स टू, मार्क्स थ्री करके उसको कंपेयर करें, या फिर हम फॉर लूप के थ्रू सिंपली कर सकते हैं इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एवरेज लेस देन मार्क्स ऑफ आई, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम साथ थोड़ी बहुत जो है डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आई एज ग्रेटर मार्क्स देन एवरेज, तो हम इस तरह कुछ लिख देते हैं। यहाँ तक ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कंपेयर करेगा और साथ साथ ये लिखता रहेगा। अगर हम यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगाते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पहले आई की जगह जीरो लिखेंगे, यहाँ पे भी जीरो लिखना पड़ेगा, फिर इसको अगेन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम वन लिखेंगे, यहाँ पे भी वन लिखना पड़ेगा, और इसी तरह ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सब के लिए लिखना पड़ेगा। तो
तो इसलिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। एनीवे फॉर लूप की यूजेज के बारे में मैं आपको बहुत तफसील के साथ बता चुका हूँ, ये जस्ट आपको एक थोड़ा बहुत अगेन वो रिवाइज करवाना था कि हम क्यों फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक आई थिंक ये प्रोग्राम क्लियर हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F5। यस, अब यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे अगर हम लिखते थे कि प्लीज़ इंटर अरे मार्क्स, तो यहाँ पे ये शो भी होता। अब हमने कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, जस्ट ये इनपुट यहाँ पे हमसे मांग रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं 50.5, देन 80.8, देन हम 90 लिख देते हैं, और इसके अलावा 76.5 एंड देन 95। तो हमारे पास जो एवरेज आई है वो 78.56 है। तो अब यहाँ पे ये शो कर रहा है स्टूडेंट वन हैज ग्रेटर मार्क्स देन एवरेज। अब यहाँ पे हमें मार्क्स भी शो कर देने चाहिए थे ताकि वो साथ साथ शो हो रहे हो। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि स्टूडेंट वन हैज ग्रेटर मार्क्स देन एवरेज। तो स्टूडेंट वन हमारे पास कौन सा है, ये वाला 80.8 वाला। यहाँ पे आपने याद रखना है कि एरेज जो है जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये 50.5 जो है ये स्टूडेंट जीरो है, उसके बाद स्टूडेंट वन है, उसके बाद स्टूडेंट टू जो है वो भी ग्रेटर मार्क्स है, स्टूडेंट थ्री के मार्क्स जो है वो लेस है एवरेज से, और स्टूडेंट फोर के भी जो मार्क्स है वो ग्रेटर मार्क्स है। तो ये सारा कुछ शो यहाँ पे हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। अल्लाह हाफिज़।